सुनो भाई लोग, बहुत हो चुकी हैं ये छोटी मोटी चोरियां। अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। पर बॉस, और बड़ा क्या करें, बैंक लूटें अब। हाँ सही कहा, अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। अब हम एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। तो बॉस, शहर में दो बैंक्स हैं, हम कौन से वाले को लूटें? तुम लोग चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है कैसे क्या करना है। ओके बॉस, वी आर रेडी। ठीक है सुनो, हम शाम के टाइम बैंक लूटेंगे, क्योंकि शाम के टाइम पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और बैंक का मैनेजर जाते टाइम सारा कैश बैंक में रख के जाता है। ठीक है बॉस, लेट्स गो। चलो सब तैयार हो जाओ, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास, सिर्फ 1 घंटा। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, जो जहां पे खड़ा है वहीं पे ही खड़ा रहेगा, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। कहा है तुम्हारा मैनेजर, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। हाँ मैं हूं मैनेजर, कौन हो तुम लोग? रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। वो मैनेजर, ज्यादा होशियारी की ना, तेरा भेजेगा तरबूज सा बना देंगे। चल जा रहे, सारा कैश बैग में डाल कर ला जल्दी, और कोई होशियारी मत करना। चलो सब गाड़ी में बैठो और जल्दी निकलो यहां से। जल्दी फोन करो पुलिस को। हेलो पुलिस स्टेशन, सर मैं यश नाया शहर के बैंक ऑफ पबजी से बात कर रहा हूँ। यहाँ अभी अभी चोरी हुई है, 3 गुंडे गन्स के साथ आए और सारा कैश लेकर भाग गए। ठीक है, हम अभी पूछते हैं। मैनेजर को बुलाओ जल्दी। हेलो सर, मैं ही मैनेजर हूँ इस बैंक का। तो मैनेजर साहब बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? सर वो गुंडे गाड़ी से आए, पहले उन्होंने गार्ड को मार दिया, फिर अंदर घुस आए और सारा कैश लूट कर चले गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी में भागे हैं वो? सर वो रेड और ब्लैक कलर की डाशिया में आए थे। आपने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया? सर उनकी गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ हमें। जी सर, अंदर आइए दिखाता हूँ। अरे सर, ये तो वही डांसिया है जिसकी आज हमको सुबह चोरी होने की रिपोर्ट मिली थी। इसके मालिक ने कहा था कि इसकी गाड़ी में GPS लगा हुआ है और पुलिस इसको बहुत जल्दी ढूंढ निकालेगी। मैनेजर साहब, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। इस गाड़ी पर GPS लगा है और पुलिस इसको 24 घंटे से पहले ट्रैक करके पकड़ लेगी। ओके सर, ठीक है। अभी हम चलते हैं। हवलदार, उस चोरी की गाड़ी और उन गुंडों का कुछ पता चला? जी सर, अभी अभी रिपोर्ट आई कि उन गुंडों को रोजो के पास भी देखा गया था उसी गाड़ी के साथ, और वो लोग नदी की तरफ जा रहे थे, और GPS की लोकेशन भी ट्रैक हुई है। गाड़ी की लास्ट लोकेशन रुइंस के पास वाली नदी के पास से आई है। तो चलो, जहाँ पे GPS की लास्ट लोकेशन आई है वहाँ पे चलते हैं और कुछ छानबीन करते हैं, शायद कुछ मिल जाए।
और अपने साथ अपनी गन ले लेना, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। ये देखो हवलदार, ये तो वही गाड़ी है जिसको हमने सीसीटीवी में देखा था और जिसकी चोरी की रिपोर्ट भी आई है। सर, यह गाड़ी तो है पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, गाड़ी में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना ही आसपास दिखाई दे रहा। कोई नहीं, यहाँ पे छानबीन करो, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। सर वो देखा, रोहित पे कुछ टूटे फूटे घर है, कई गुंडे वहाँ छुप कर तो नहीं बैठे? हो सकता है, चलो चल के देखते हैं। उनकी पूरी गैंग हो सकती है वहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। हमारे लिए बैकअप फोर्स लेके आओ। जाओ ड्राइवर, जल्दी जाओ। चलो हवलदार, हम पहाड़ी पे चलते हैं। सर ये तो वही लोग हैं जिनको हमने सीसीटीवी में देखा था जो बैग लूट कर भागे थे। हाँ हवलदार, सही कहा, ये तो वही तीनों हैं। पहले इन्होंने गाड़ी चुराई और फिर बैंक लूटा, और पता नहीं वो चोरी वाली गाड़ी कहाँ पे छुपा रखी है इन्होंने। चलो पकड़ते हैं इनको। जी सर, चलिए। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम लोग पकड़े जा चुके हो। अगर भागने की कोशिश की या कुछ चलाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। अगर तुमने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बैठे रहो यहाँ पे और हिलना मत। इंस्पेक्टर, तूने सबसे बड़ी गलती कर दिया मेरे बंदे को मारकर, अब तू नहीं बचने वाला। अबे तुझ जैसे गुंडों का रोज एनकाउंटर करता हूँ मैं, तुझ जैसे गुंडे बहुत मारे हैं मैंने। मारा होगा पर तेरा पाला कभी हमसे नहीं पड़ा। रुक, अभी बॉस को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ बुला ना बुला, ये ले फोन, बुला और बोल तेरा बाप आए यहाँ पे। हेलो बॉस, हमारे अड्डे पे 2 पुलिस वाले आए हैं और उनने हमारे एक बंदे को भी मार दिया है, जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आने दो उसको, देखते हैं यहाँ पे। जाओ हवलदार, गन लेके आओ।